हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। बहेरी बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। बहेरी में 31 जनवरी को हुए बार एसोसिएशन के चुनाव में पदाधिकारियों को मिली जीत के बाद आज बुधवार को बार एसोसिएशन बहेरी की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह तहसील सभागार में आयोजित किया गया। बहेरी सिविल जज जूनियर डिवीजन विजय शंकर गौतम ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के माल्यार्पण और उनके स्वागत के साथ किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि बार और बेंच के बीच संविधान सम्मत बेहतर तालमेल बनाए रखने का सभी से आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज हरित ने कहा कि अधिवक्ताओं में भी बेंच की तरह सुनने का भी गुण होना चाहिए और तभी बार और बेंच के बीच बेहतर तालमेल बनता है, जिससे वादकारियों को न्याय मिलने में काफी आसानी होती है। श्री हरित ने अधिवक्ताओं की बार काउंसिल से संबंधित समस्याओं के निराकरण का भी भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि वार व बेंच सभी जनता के लिए हैं और वार और बेंच को संविधान सम्मत न्याय देना चाहिए, ताकि लोगों को यह महसूस हो कि न्याय जिंदा है। न्याय की बेहतर जानकारी सिखाने में वार की भी अहम भूमिका होती है और हम वार को न्याय की पाठशाला भी मानते हैं। अंत में बार एसोसिएशन बहेड़ी के नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष शकील अहमद गुरु व महासचिव सूरज पाल ने अधिवक्ता हितों के लिए संघर्ष करने और अपनी जिम्मेदारियों की कसौटी पर खरा उतरने का अधिवक्ताओं को भरोसा दिया। इस अवसर पर एल्डर कमेटी के सदस्य भूप कुमार गुप्ता, पूर्व बार अध्यक्ष पाती राम गंगवार, पूर्व महासचिव रामस्वरूप गंगवार, महासचिव सूरज पाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश सक्सेना, कोषाध्यक्ष ऋतराम मौर्य, संयुक्त सचिव रेवती रमन, आरिफ एडवोकेट, मान सिंह एडवोकेट, रमा कांत शर्मा एडवोकेट, सभी अधिवक्तागण शामिल रहे। दिखाई दे रही है वहाँ पर अपना स्थान गिरा जा रहा है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के हम सब के प्रिय श्री मल्होत्रा जी आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के हमारे सदस्य पूर्व में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे श्री मल्होत्रा जी को भूखे देकर के उनका स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत करते हुए तो